हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू हाय व्लॉग में। और ये देखो कितनी गंदगी है और बहुत घिन आ रही थी इसको देख के मुझे ना। और ये है हमारी छत का हाल, बहुत बुरा है। क्यों है? क्योंकि जो दुकान के कट्टे वट्टे होते हैं तो मैंने ऊपर रखे होते भर के सारे, और बारिश 3-4 दिन लगातार रही और हमें याद नहीं रहा कि नीचे ले जाना है, और सब ये बेकार हो गए। इन्हें हमें बेचना होता है, मतलब इनसे भी कुछ, मतलब थोड़ा मार्जिन निकल जाता है दुकान का। और ये बहुत सारे थे, कम से कम नहीं तो ये 500 कट्टे होंगे। और जब से हमारी दुकान हमने ओपन किए तब के ही रखे हुए थे मैंने, समेट समेट के कि एक साथ ही निकाल देंगे। और ये 2-3 दिन की बारिश में सब ख़राब हो गए। इनके इनमें मतलब कोई भी एक ऐसा नहीं है कि हम इसको संभाल कर सकें, तो इन्होंने बोला इनको सर फेंक देते हैं, कोई बात नहीं। तो वो गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि बहुत 2 साल की मेहनत थी ये मेरी, कट्टा को कर करके रख रही थी। लॉकडाउन में हमने शॉप खोली थी, समझ लो तभी के कट्टे रखे हुए हैं। और उसके बाद जब भी दुकान साफ़ करते थे तो ऊपर बस छत भी साफ़ की थी तो सारा कुछ मतलब ऊपर रखती रहती थी मैं समेट के, तो ढका रहता था। लेकिन जो इस पे जो ढका हुआ था वो भी सब गल गया। तो इस बार ज़्यादा बारिश हुई तो कुछ ज़्यादा ही सब सामान बेकार हो गया, और ये सारा नुकसान ही समझ लो एक तरीके से। और हम इसे भर के रख रहे हैं सारे कट्टों को, ये और मैं दोनों लगे हुए हैं। गर्मी बहुत है और संडे है, संडे ऐसे ही जाने वाला है, बहुत काम है, पूरी छत क्लीन करनी है, पूरी छत पे बहुत काई है। बेटी शॉप पे बैठी है नीचे और हम दोनों बस ये जितना हो सके कर लेंगे। 11:30 का टाइम है अभी, नाश्ता वास्ता हमने कुछ नहीं बनाया, बस चाय के साथ जो लेना था वो ले लिया। और ये बेटी आ गई, इसको चाहिए फ़ोन क्योंकि एग्ज़ाम है इसका। गधेड़ा इसको नीचे ले जा, चल बे नीचे। तो अभी मैंने आपको दिखाई थी छत का हाल, और अब आप देख लो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो, ये फेंक देंगे हम अभी, इनको भर के रख दिए सारे कट्टों को क्योंकि ये खराब हो चुके हैं। अभी कबाड़ी वाला नहीं लेगा तो इनको भी नीचे ले जाएंगे बाद में। और ये पूरा कवर कर दिया है सारा, काई बहुत लग गई थी, बड़ी मुश्किल से छुटी है, लेकिन जहाँ तक हो गया वहाँ तक निकाल दी। तो कुल मिला के मेरी सांस फूली हुई है, सारी छत क्लीन है ये देखो पूरी। बहुत मेहनत लगी दोनों ने करके, मतलब मिलके जो है कर दिया। और हमारा एलोवेरा देखो कितना अच्छा हो रहा है, बारिश में अपने आप हो गया, ये ख़राब हो गया था। लेकिन हमारा गमला टूटा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम अभी प्लांट्स वगैरह तो कुछ लगाते नहीं है क्योंकि अभी लगा ही नहीं सकते समझ लो, तो ये अपने आप ही हो गया है बारिश में। लो पसीने पसीने सारा हो गया है, वो गए नीचे नहाने के लिए। पहले मैं डुगू को खाना दे रही है क्योंकि सब भूखे हैं, किसी ने नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया है, तो डुगू को पहले खाना दे रही है, उसके बाद कुछ बनाएंगे। 1 बज गया है, डायरेक्ट लंच बना लेंगे। अब खाना नहीं बन सकता, मतलब कि नाश्ता नहीं बन सकता। और अभी जीना है, वो कल करेंगे नीचे का कमरा और जीना। कल छुट्टी तो नहीं है लेकिन देखते हैं हो पाएगा या शाम को। तो आज बहुत थक गए हम लोग, तुझे भी लेट हो गया आज खाने के लिए हैं। चल अभी देते हैं, दे दे बेटा इसको खाना जल्दी से। और नीचे का रूम भी हमने क्लीन कर दिया, यहाँ पे पहले लाइट नहीं थी तो अब लाइट लगा दी है। ये देखो, मतलब ये सामान वामान यहाँ ज़्यादा ही फैला हुआ था तो सब हटा दिया इन्होंने, झाड़ू वगैरह रखी हुई थी, ये पतंगे हैं। अब ये सामान तो हमारा ज़्यादा होता ही क्योंकि हमारी दुकान है तो सारा दिन सामान फैला जाता है। तो मतलब उन्होंने मेन काम कर दिया, सोफे हटा के सारे झाड़ू लगा दी थी, बाकी मेरा काम है ये सब समेटना, एक तरफ रखना, वो मैं रख दूंगी। और एक चीज़ और यहाँ का हमें मिली, कल इन्होंने सफाई करी तो ये देखो यहाँ पे दीमक लग गई है पूरी खिड़की में इसमें, ये देखो पता नहीं कैसे लगी है। और ये सारा अभी सफाई करने के बाद ये इतनी दीमक दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी, पता नहीं क्या हुआ जब से सफाई करी उसके बाद से एकदम यहाँ, क्योंकि खिड़की हमारी दुकान की वजह से खुलती नहीं है तो बंद ही रहती है ये, क्योंकि इसके पीछे हमने ये दुकान का सेटअप लगाया हुआ पूरा, तो ये पूरा ढक गया है इस वजह से, ये खुलती नहीं है। तो यहाँ सीलन सी रहती है थोड़ी सी, और कमरे में अंधेरा भी रहता है, तो सबसे पहले तो लाइट लगाई थी और उसके बाद मतलब थोड़ा सा सारे घर क्लीन किया और ये सोफे वगैरह सब साफ़ किए। ऐसे ही है, इनको मतलब कोई कवर नहीं करते क्योंकि सामान सारा पड़ा रहता है दुकान, क्योंकि जगह जो है कम है। बाहर भी आप देख लो सारी हमारी जो पार्किंग एरिया है सारा भरा हुआ रहता है, सब में सामान है, बोतलें हैं, झाड़ू है, सब झाड़ू को कवर करके रखा है उन ड्रम्स में जो ऊपर से लेकर आए थे उसमें। और दुकान पूरी हमारी मतलब भरी रहती है, खाली नहीं रहती। तो बस इसका देखते हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो गया है ये देख के ना, जो ये दीमक है पता नहीं ये कैसे हटेगी, ये सफाई करने के एकदम बाद ये इतनी आ गई है, तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें ये, और इसको कैसे ख़त्म करना है। इसकी दवाई लेकर आएंगे कल, आज तो नहीं, कल ऑफिस जाएंगे तो आएगी, और उसके बाद
देखते हैं इसमें दवाई डालते हैं। वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्च का पानी डाला है, किसी ने मुझे बताया था, तो ये इससे हो जाएगा तो ठीक है। तो बस संडे का दिन ऐसे ही बिजी रहा, काम में लगे रहे, तो संडे का दिन ऐसे ही निकल गया सुबह से लेके अभी 1:30-2 बज रहे हैं। और मैंने नहा धो लिया, खाना वाना सब बना दिया, तो सफाई वफाई सारी हो गई है, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही बिजी चला गया, कुछ नहीं टाइम लगा। और अब थोड़ा देखते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।